सेवन रूल्स ऑफ मनी इफ यू वॉन्ट टू बी रिच फास्ट। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई लोग डॉट इन में। यदि आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के 7 नियम हैं। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो यह कहेगा कि उसे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा ही वो चीज है जो हमें एक परफेक्ट लाइफस्टाइल जीने में मदद करती है। हालांकि पैसे से खरीदी गई चीज जो आपको लाइफ टाइम के लिए खुशी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ एक बात पक्की है, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आपकी मुश्किलों को कम जरूर किया जा सकता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। और इसीलिए आज की इस ब्लॉग्स में हम आपको जिंदगी में सफल और अमीर होने के 7 ऐसे अनोखे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में अपना लिया तो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों चलिए मेरे यानी आपके दोस्त भाई लोग डाउट इन केसा आज की यह शानदार ब्लॉग्स शुरू करते हैं। ऐसे में अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और मिडिल क्लास की रेस में नहीं दौड़ना है तो इस ब्लॉग में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ ब्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अहम नियम यही है कि आपको पैसा बचाने की बजाय अपना ध्यान पैसे कमाने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जिसे जानते तो हम सभी हैं लेकिन अपनी जिंदगी में आजमा बहुत कम लोग पाते हैं। इसी वजह से अधिकतर लोग अमीर बनने के लिए पैसा जुटाना शुरू कर देते हैं और कभी भी अपने काम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जबकि आपको उसका उल्टा करना चाहिए और पैसे को बचाने की जगह से ज्यादा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए म्यूचुअल फंड्स और बाकी चीजों पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडियाज है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ उस पर डिपेंड होना भी कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर फोकस रखिए, क्योंकि अगर आपको अपनी मनपसंद महंगी वाली कार 60 की उम्र में नहीं बल्कि 26 की उम्र में चलानी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस। रूल नंबर 2, डोंट चेंज मनी अट्रैक्ट मनी। दोस्तों आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें डायलॉग बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे नहीं एक्सीलेंस के पीछे भागो काके, सक्सेस तो झक मार कर पीछे आएगी। इसका साफ मतलब ही यही है कि खुद को इतना काबिल बना लो कि आपको पैसे के पीछे नहीं बल्कि पैसे को आपके पीछे भागना पड़े, और वह चीज तभी हो सकती है जब आप कड़ी लगन से उस काम में लगे रहो। क्योंकि दोस्तों लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो बल्कि वह मिलता है जिसे आप लायक हो और आप इस चीज के लायक हो जिसके पीछे आप मेहनत करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों आज का जमाना काफी ज्यादा एडवांस हो गया है, जिस वजह से लोगों को कम समय में ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिल जाती है। अब जैसे कि आप इस ब्लॉग्स को देख लीजिए, हम इस ब्लॉग्स में आपको पैसे से जुड़ी अहम बातें को बता रहे हैं जिन्हें सीखने के लिए आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं। लेकिन नहीं, आपने स्मार्ट आइडियाज को चुना और हमारे ब्लॉग्स पर अपना समय इन्वेस्ट किया। दोस्तों वीडियो या फिर कहीं और ये सिखाई गई बातों को केवल जानकारी काम नहीं आती बल्कि आपको उसे अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा समझ सकोगे कि चीज किस तरह से काम करती है, और आपको जितनी समझ होगी आप उतना ही पैसा बना सकते हो। तो इसीलिए कभी भी यह मत सोचना कि पैसा कमाने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में हर चीज थम सकती है लेकिन अगर इंसान ने सीखना छोड़ दिया तो वह कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। अपनी जिंदगी में सफल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह यह सोचता है कि मैं सफलता के लिए कल से मेहनत करूंगा और कल कभी नहीं आता। दोस्तों यह बात हम सभी जानते हैं, इसलिए अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है तो अभी से मेहनत करनी होगी, फिर चाहे वह चीज कोई भी क्यों ना हो।
आप अपने आइडिया पर अगर काम करना चाहते हो तो उसे बात के लिए पेंडिंग मत छोड़ो, बल्कि अपने आइडिया पर अभी से काम करना शुरू कर दो। हो सकता है आप एक बार फेल हो, आप दूसरी बार भी फेल हो, लेकिन फेल होकर भी आपको यह चीज सीखने को मिलेगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में कुछ न सीखने से तो कुछ सीखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दो और ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर बिजनेसमैन हो। एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, वह अपने पैसों को ट्रैक करना, बजट का हिसाब रखना, आप किस जगह पर कितना पैसा खर्च करते हो, कितना बचाते हो। क्योंकि जब आप लाइफ में ग्रो करने की सोच रहे हो तो बेशक आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आपके पैसे किसी फिजूल की चीजों में खर्च ना हो। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कहते हैं कि वह अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एक महंगे लैपटॉप पर अपना पैसा खर्च करना जरूरी समझेंगे, बजाय स्टारबक्स में जाकर कॉफी पीने की। यानी कि जो चीज आपके करियर में हेल्प करेंगे उस पर आप बेधड़क पैसा खर्च करो ना, लेकिन जो चीज मात्र नाम के लिए उन पर पैसा खर्च करना बेवकूफी है। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, गलती कई लोग करते हैं कि वह पैसा आते ही उसे खर्च करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जाहिर सी बात है कि आप हमारी ब्लॉग को यहां तक देख रहे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे, और इसीलिए जब तक आप इतना ज्यादा पैसा ना कमा लें तब तक अपने पैसे को सही जगह पर खर्च करें। क्योंकि अपने शुरुआत के पैसों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि वह लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो इसलिए चंद हजार की जॉब इसलिए मत करिए कि आपको इससे मिलने वाले पैसों को खर्च करना है, बल्कि इसलिए जॉब शुरू करिए कि आपको एक दिन इससे भी ज्यादा प्राइस की जॉब दूसरों को देनी है। क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तभी तो आप बड़ा कर पाएंगे। रूल नंबर 7, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। आप लोगों ने हर एक चीज को तो सीख लिया, लेकिन अब जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो ये है कि आप कितने फोकस और कंसिस्टेंट हैं। क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो आपको आपकी सोच आइडिया पर काम करने में मदद करवाएगी। क्योंकि आप लाख अमीर क्यों ना बनना चाहे, बस एक बार आपका फोकस हट गया तो आप वो नहीं पा सकते जिनकी आप चाह रखते हैं। दोस्तों, यह थे अमीर बनने की कुछ ऐसे नियम जिससे आपने एक बार अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी हम लेते हैं। बाकी आपकी इस ब्लॉग्स के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार ब्लॉग्स को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल भाई लोग .in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।